सीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। सो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट टू लंबी लड़कियों के लिए, जो मैंने लहंगे की टिप्स बताई थी कि लहंगा चूज़ करते समय आप अपना वेडिंग लहंगा हो या फिर अपनी किसी शादी के लिए या किसी और की शादी के लिए अगर आप लहंगा चूज़ कर रहे हैं ले रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके का लहंगा अपने लिए आपको लेना है अगर आपकी हाइट थोड़ा सी लंबी है और आप चाहते हैं कि आपकी हाइट थोड़ा सी कम दिखे इक्वल दिखे। तो ऐसे में कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनके पार्टनर की हाइट उनसे लंबी है या इक्वल है बराबर है तो उनको लगता है कि थोड़ा सी उनकी हाइट उनसे कंपैरिजन में कम दिखनी चाहिए, लेकिन आपकी एक्चुअल जो हाइट है उसे आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टाइलिंग के थ्रू आप उसे थोड़ा सा कम दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट होता है आपकी ड्रेसिंग सेंस के साथ जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल हाइट है वो थोड़ी सी कम दिखती है अगर आप दिखाना चाहें तो। ऐसे ही होता है अगर आपकी हाइट कम है और आप उसे ज़्यादा दिखाना चाहें तो, वहाँ पर भी कुछ स्टाइलिंग टिप्स मैंने पहले एक वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो ज़रूर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं उस वीडियो को पार्ट टू कर रही हूँ, मतलब उस वीडियो में मैंने ड्रेसिंग बताई थी कि आपको किस तरीके की ड्रेस लेनी है अपने लिए, किस तरीके का लहंगा चूज़ करना है, और इस वीडियो में लहंगे के लिए आपको कैसे ज्वेलरी चूज़ करनी है खुद के लिए। सिर्फ लहंगे के लिए ही नहीं, अदर टाइम पे भी आप किस तरीके की ज्वेलरीज अपने लिए चूज़ करें अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी है। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी तो उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर हिट करना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके इयररिंग्स की। तो आप अगर आपकी हाइट थोड़ा सी लंबी है तो ऐसे में आपको लंबे और पतले नीचे तक लटकने वाले इस तरीके के इयररिंग्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, इन्हें बिल्कुल भी मत पहनिए। इसकी बजाय आपको इस तरीके की झुमकी आप ट्राई कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके के जो चांद वाली या जो चौड़े वाले गोल से जो इयररिंग्स होते हैं, इस तरीके के इयररिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी को सूट करेंगे। तो इस तरीके के इयररिंग्स आप अपने लिए चूज कीजिए। बात करते हैं आपके नेकलेस की या नेकलेसेस की, तो वहाँ पर आपको चोकर पहनना चाहिए, हैवी वाले चोकर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खिलकर उभर के आपकी पर्सनालिटी को सूट करेंगे, क्योंकि आप हाइट में थोड़े से लंबे हैं और आपकी गर्दन जो है वो भी ऑलवेज थोड़ा सी लंबी ही होगी, तो ऐसे में जो भरे हुए से पीस होते हैं, नेक पीस होते हैं, इस तरीके के चोकर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेंगे, लेकिन चोकर आप ज़रूर पहनिए। इसके अलावा आप पहन सकते हैं, अगर आप एक और नेकलेस पहनना चाहते हैं तो आप मल्टी लेयर जो नेकलेस होते हैं उन्हें अवॉइड करके इस तरीके के रानी हार पहन सकते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट करेगा। आपको अवॉइड करना है लेयर नेकलेसेस या पतले पतले जो चेन वाले नेकलेसेस होते हैं वो पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं, वो बिल्कुल भी आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेंगे, तो उन्हें आप अवॉइड कीजिए। इसके भरे हुए जो चोकर नेकलेस हैं वो यूज़ कीजिए, और अगर आप एक ब्राइड हैं और आप चाहते हैं के ऊपर एक और आपको नेकलेस पहनना है या कोई रानी हार बड़ा सा पहनना है तो उसके अंदर से पहले रानी हार पहनिए, उसके ऊपर से आप चोकर पहनिए, तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करेगा। इसके पहले वीडियो में मैंने ड्रेसिंग सेंस पूरी तरीके से आपको बता दिया है, समझा दिया कि किस तरीके से आपको अपने ड्रेस को चूज करना है अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इससे आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आपके कड़ों की, तो बैंगल्स आप थोड़ा से मोटे मोटे जो थिक वाले इस तरीके के बैंगल्स होते हैं और भरा हुआ सा पूरा सेट होता है, उस सेट को पहनिए अगर आप एक ब्राइड हैं, और अगर आप नॉर्मल किसी कैजुअल ओकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंगल इस तरीके के मोटे वाले कड़े भी यूज कर सकते हैं, वो ही आपके कड़ों की अब बात हो गई। अब हम बात करते हैं मांग टीके की, तो मांग टीका आपको लेना है एक थिक जो गोल राउंड शेप वाला या फिर लंबा सा लटकने वाला मांग टीका आपको नहीं लेना है, इस तरीके के गोल वाले या इस तरीके के राउंड शेप वाले या फिर नेकलेस जैसा आपका है उससे मैच करता हुआ इस तरीके का मांग टीका आप ले सकते हैं। इस तरीके के मांग टीके या फिर हम शीश फूल जैसे कहते हैं, तो इस तरीके के मांग टीके को आप 20 से हेयर स्टाइल से डिवाइड करते हुए अगर आप पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आप मांग टीका ले रहे हैं तो उसे इस तरीके का लीजिए, 20 से बैंड जो होता है या फिर हम शीश फूल जिसे कहते हैं,
ये वाला जो पैटर्न है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपकी हाइट लंबी है तो वो आपकी हाइट को डिवाइड करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं आपके कमरबंद की, तो कमरबंद आपको जरूर पहनना चाहिए क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को हाफ एंड हाफ करेगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से सूट करेगा, तो ये आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। जितना चौड़ा आप पहनेंगे उतना आपको अच्छा होगा। एंड इस समय तो जो फैब्रिक होता है, जो कि आपके लहंगे का फैब्रिक है या फिर जो आपके लहंगे की बॉर्डर है या आपके दुपट्टे में जो बॉर्डर है, उसी का एक बेल्ट आपको इस समय मार्केट में काफ़ी मिल जाएगा, काफ़ी ट्रेंड में है, तो उसे फैब्रिक वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे। तो ड्रेसेस को लेकर जो मैंने वो वीडियो बनाया था वो आपको जरूर देखना चाहिए, अगर आपको लंबी है आपको किस तरीके का ड्रेस पहनना है, किस तरीके का लहंगा पहनना है, तो उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो वीडियो आपको जरूर देखना है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आपकी शादी है और आपकी ब्राइड है या किसी और की शादी है और आपको शादी में लहंगा पहनना है, तो उस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो नाउ नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करते हैं आपकी हेयर स्टाइल की, तो ऐसे ऊपर पफ वाला जो हेयर स्टाइल होता है वो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना, वो बिल्कुल मत कीजिए, बीच से बाहर निकल के सभी अच्छी स्टाइल में जो हेयर स्टाइल उनको मॉडल्स की होती है वैसा आप हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं। ऊपर पफ बनवाएंगे या हाई बन बनवाएंगे तो उससे आपकी हाइट और ज़्यादा इंक्रीज दिखेगी, जो कि आपको नहीं दिखानी है। तो ऐसे में आप सिंपल प्लेन हेयर स्टाइल रखिए और उसके साथ आप इस तरीके का स्लीव फूल जरूर यूज़ कीजिए या फिर बैंड जरूर यूज़ कीजिए, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड ओवरऑल ड्रेसिंग को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक्चुअल हाइट से थोड़े से कम दिखें, क्योंकि एक्चुअल हाइट को आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जब ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसेस, आपके ज्वेलरी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सब एक साथ मिल करके सामने आता है। तो एक फ्रेम में जब आप देखते हैं तो आपका जो आप चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वही चीज़ सामने उभर कर आती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है सीपीपीडीएल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।